लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना। हम कल चले आ रहे थे हवाई जहाज पे, एक सज्जन हमें ज्ञान पेल रहे थे, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप ऐसे बयान देते हो कि आग लग जाती है। हमने कहा खटरी के बरे, वो हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातनियों के त्योहारों पर दीपावली को टोकी रजा साहब ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, प्रदूषण हो जाता है। अब वो बकरी खुलेआम करते हैं, कोई नहीं बोलता। भी है सनातन के और विचारक भी है। इसलिए भारत के हिंदुओं, राजस्थान के लोगों, हम अपने लिए नहीं जी रहे, अपने प्राणों की बाजी हम लगाए हैं ताकि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई उंगली उठा करके लव जिहाद में ना ले जाए। तुम्हारे देश में 500 साल तक तुमसे ही राम के होने के सबूत मांगे गए और तुम चुप रहे। तुम्हारे कृष्ण जहां अवतरण ली देश में, रामचरितमानस को सरेआम जलाया जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने मस्तक पर लगाया था और तुम चुप हो। पालघर में संतों को पत्थर कर करके मारा और तुम चुप हो। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल राम के दर्जी को छुड़ा भोंक करके मारा और तुम चुप हो। तुम्हारे मंदिरों को वो तोड़ते हो, तुम चुप हो। हमसे कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान मत करो, हम हिंदू, किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है बंद कर दो, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे और जो